फंडामेंटल एनालिसिस में और टेक्निकल एनालिसिस में डिफरेंस क्या है? जब किसी स्टडी को हम करते हैं, किसी कंपनी की अंदर में जाने की कोशिश करते हैं, हम ये देखते हैं उस कंपनी में क्या है, मैनेजमेंट कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करेगी नहीं करेगी, उसकी क्वालिटी मैनेजमेंट कैसी है, क्या उसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं कि नहीं, उसका प्रॉफिट लॉस कैसा कहता है, उसकी बैलेंस शीट्स कैसी कह रही है, उसके फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, उसके प्रमोटर्स का रुझान कैसा है, उसके इन्वेस्टर्स जो FIs हैं या जो पब्लिक है वो कैसा बिहेव कर रही है, तो ये सब स्टडी को हम कहते हैं फंडामेंटल्स। मतलब हमें लगता है कंपनी के अंदर जान कितनी है। बट वहीं जब हम उस कंपनी को एक चार्ट के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं टेक्निकल्स पे, जब इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करते हैं, ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल करते हैं, RSI का इस्तेमाल करते हैं, मे बी मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे हम देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में टॉप कहां बन रहा है, प्राइस को विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं, क्या हमें इसमें बने रहना चाहिए, ट्रेंड क्या है, क्या इसमें निकल जाना चाहिए। तो ये स्टडी होती है टेक्निकल एनालिसिस। आपके लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है अगर आप मार्केट में रहना चाहते हैं। होप दैट हेल्प्स।